अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में आपका दोस्त, आपका अजीज हकीम नदीम रजा नाजरीन दवाखाना से बहुत ही उम्दा पेशकश के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे और मेरे बताए हुए नुस्खाजात से आप खूब खूब कामयाबी और कामरानी हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर किसी को शिकवा है अपनी पत्नी से, अपने पार्टनर से कि आप उसको संतुष्ट नहीं कर पाते और संतुष्ट ना होने की बिना पर वो आपका साथ छोड़ रहा है, यानी आपका पार्टनर आपका साथ छोड़कर किसी दूसरे के साथ में हम बिस्तरी करने के साथ में रेडी है, तो आप उसको कैसे रोकें और अपनी जिंदगी को, अपनी अजदवाजी जिंदगी को कैसे अपने पार्टनर के साथ मुंसलिक करके अपनी जिंदगी को बहाल करके खुशहाल कैसे करें, वही सारी बातें कर ली जाए। तो बहुत ही उम्दा नुस्खा, बहुत ही आसान नुस्खा जिसको आप अपने घर पर ही बना सकते हैं, आज मैं जिक्र करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले जरूरी यह है कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, बहुत जल्दी से आप लाइक कर दें और एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट करके हमें बता दें कि हमारी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से आपको नुस्खा तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको लेना है चना खिला हुआ 250 ग्राम। दूसरी चीज आपको लेनी है उड़द, साबुत उड़द आपको लेना है 250 ग्राम। तीसरी चीज आपको लेनी है बादाम। बादाम रात को आप पानी में डालकर सुबह देखें उनका छिलका फूल जाएगा, उसको उतार दें। बादाम आपको 100 ग्राम लेना है। फिर आपको लेना है काजू, काजू 100 ग्राम आपको लेना है। इन सारी चीजों को आप पीस लें, कूट लें, बारीक कर लें। फिर आपको लेनी है 250 ग्राम मिश्री और एक चीज आपको लेना है 300 ग्राम देसी गाय का घी आप ले लें। और देसी गाय का घी लेकर के आप एक कड़ाही में डालकर इसको अच्छे से गरम कर लें। जब ये गरम हो जाए तो आप इसके अंदर ये सारी सामग्री शामिल करके जो आपने 300 ग्राम मिश्री लिया हुआ है वो आप इसके अंदर शामिल करके अच्छे से पका लें। अब ये आपका हलवा तैयार हो चुका है। फिर इसमें से रोजाना आप एक चम्मच यानी 10 से 15 ग्राम रात को सोते वक्त गाय के दूध के साथ कम से कम 40 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह केवल आप इसको एक हफ्ता इस्तेमाल करेंगे, एक हफ्ते के बाद ही आपको ऐसी भयानक पावर आना, इच्छा उमंग आना स्टार्ट हो जाएगी कि आपका पार्टनर खुद कहेगा कि अरे वाह, आज तो कमाल कर दिया। तो ये इसी नुस्खे का कमाल होगा। अगर इस नुस्खे को आपने इस्तेमाल 40 दिन करके परहेज नींबू आम अचार इमली खटाई से, चाय कॉफी से और फास्ट फूड यानी समोसा ब्रेड पकौड़ी चाउमीन वगैरह से परहेज कर लिया तो इंशाअल्लाह आप वाकई मर्द मुकम्मल बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आप खूब खूब शेयर कर दें जरूरतमंद हजरात में, परेशान हालों में, ताकि सबों का भला मेरे और आपके एक शेयर करने के जरिए हो जाए। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं उम्दा नुस्खे के साथ, बेहतरीन तजवीज के साथ। आप मेरे बराबर साथ बने रहें, बराबर सपोर्ट करते रहें, आपके सपोर्ट की मुझे बे इंतहा जरूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।